हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत गरम गरम चाय और नमकीन वाले बिस्किट के साथ। तो किस किस को सुबह सुबह चाय पीना अच्छा लगता है कमेंट में बताइएगा। और ये वाला जो बिस्किट है ना, बहुत ही यम लगता है। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड का बेटी का बर्थडे था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे और काफ़ी इन्जॉय किए। बस ऐसे ही छोटा सा पार्टी था, हम लोग दोनों फैमिली मिलके ही मनाए थे बस। और यहाँ पे मैं फिर चाय बना रही थी मॉर्निंग के टाइम पे, और हम लोग चाय पियेंगे और फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। तो मॉर्निंग में ना मिल्क टी और बिस्किट, चाय टोस्ट मिल जाए तो दिन बन जाता है। और किस किस को आदत है सुबह में चाय पीने की? एंड यहाँ पे ना मैंने दूध का जो मलाई होता है ना, वो लिया था और उसमें शक्कर ऐड किया है। इसको मिक्स करके मुझे रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ या फिर ऐसे भी बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लगता है खाने के लिए। ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे लेफ्ट ओवर मेरी सब्जी बची हुई थी आलू पटल की, और यहाँ पे चिकन है। और अभी ब्रेकफास्ट में मैं आलू का भुजिया बनाऊँगी। और ये ना एक हेयर मास्क बनाई थी मैं, मेहंदी है इसमें, अंडा है और एलोवेरा जो होता है ना, रॉ एलोवेरा का जो पेड़ होता है उसको मैंने कट करके मिक्सी में पीस करके मेहंदी उसके साथ मिक्स किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ रोटी मेरी बन गई थी। और ये वाला मेरा नया वाला घर है, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और यहाँ पे चीकू है, टाइम हो रहा है 8:45 का। और ये देखिए मेरा किचन से बाहर का टेरेस और थोड़ा सा व्यू भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आलू और प्याज की सूखी वाली सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और उसमें ना जीरा और हरी वाली जो मिर्ची होती है ना, तीन चार, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्प्रेडर हो जाएगा तब इसमें हम अपना आलू ऐड कर देंगे। आप आलू छील करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाला आलू जो है ना, उसका छिलका काफ़ी पतला था तो ऐसे भी अच्छा लगता है। तो मैंने ऐड कर दिया इसमें नमक और हल्दी बस, और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। और पता है हुआ क्या, मैं इसको बना रही थी, फिर ना कॉल आ गया, मैं बात करने लगी और ना थोड़ा सा ये जल सा गया, लाल लाल सा हो गया था। पर ये ना आप ऐसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है, रोटी दाल चावल इवन किसी भी चीज़ के साथ। और इसके बाद ना इसमें हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ बन गया था, पर थोड़ा सा ना लाल लाल सा जल गया। और मुझे थोड़ा खांसी है, जुकाम है, तो इग्नोर कीजिएगा मेरा वॉइस। और यहाँ पे चीकू खेल रहा था और हम लोग नया वाला कूलर लेकर के आए थे। फिर हम लोग शाम को निकल गए बर्थडे पार्टी में। देखिए केक बहुत ही सुंदर था, 8 ईयर हो गया है। और आप लोग बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखे होंगे रोशन और सोनम को, तो रोशन का बर्थडे था और यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, वो स्कूल का नाम है उसका, हम लोग घर में रोशन ही बोलते हैं। और केक ना बहुत ही सुंदर सा कलर लगा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। एंड यहाँ पे उसे रोशन के मम्मी पापा हैं। बस छोटा सा ही पार्टी जैसा था, फैमिली टुगेदर जैसा, ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए थे। यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो शूट करा रहे थे एंड थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह। एंड मेरी फ्रेंड, रिसेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे चीकू है और सोनम है, सर तीनों बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
और देखिए ये ना मेरा वेट करते करते मैं कूलर वगैरह लेने चली गई, फिर आने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। वेट करते करते बच्चा सो गया, अब केक काटने के लिए भी उठ नहीं रहा था, जल्दी से नींद आ गया उसको। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटो शूट कर रहे थे तो मैंने एक दो क्लिप भी ले लिया, एंड काफ़ी अच्छा लगता है मेरी फ्रेंड के साथ। टाइम कैसे निकल जाता है कुछ भी नहीं पता चलता है, पहले साथ में ही रहते थे हम लोग, पर इधर आ गई मैं, दूर हो गए। एंड ये वाला जो रूम है ना, जब मैं सबसे पहले यहाँ पे आई थी रहने के लिए तो मैं इसी रूम पे रहती थी, फिर मेरी फ्रेंड यहाँ पे आ गई, फिर मेरा चेंज हो गया, मैं बगल वाले रूम में चली गई, उसके बाद फिर मैंने रूम शिफ्ट कर लिया, देन अभी यहाँ पे हूँ। एंड उसके पापा ना जैकेट वगैरह उसको पहना रहे थे कोट का, और उसकी मम्मी टीका वगैरह कर रही थी। और भी बहुत सारा क्लिप था पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लिया। एंड चीकू और उसके पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड चीकू को केक खाना है, वो केक जो है मांग रहा था, उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के लिए। एंड यहाँ पे उसके पापा फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। एंड यहाँ पे जब आया था ना तो 6 साल का था, और अभी 8 ईयर कंप्लीट होके 9 में घुस गया है, काफ़ी छोटा था उस टाइम पे। और ना ये केक काट नहीं रहा था, उसको नींद में था ना पूरा, बच्चा है आप समझ सकते हैं। तो उसकी मम्मा गुस्सा हो गई थी, और तो काफ़ी अच्छा लगता है। जाती हो तो पहले तो हम लोग हमेशा मिलते थे, घूमने जाते थे सब कुछ, पर अब थोड़ा दूर हो गया है ना तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बर्थडे में या फिर ऐसे ही कभी हस्बैंड का ऑफ रहा तो हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि दूर हो गया है तो बाइक वगैरह से जाना पड़ता है। एंड यहाँ पे चीकू देखिए कितने अच्छे से केक खा रहा है। और ना इन लोगों का, दोनों भाई बहन का जीत था कि चीकू को लेकर के आइए, आंटी चीकू को लेकर के आइए, क्योंकि साथ में ही सब बड़े हुए हैं ना, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है चीकू से। और इतना टाइम हो गया ना साथ में रहते रहते, फैमिली जैसा हो गए हम लोग। और यहाँ पे देखिए चीकू कैसे पूरा क्रीम वगैरह लगा रहा है, और अच्छे से लगा रहा है। और ना अभी देखिएगा अपने गाल से जितना क्रीम वगैरह जो केक का है उसको निकालने वाले के खाएगा, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। देखिए अरे वीडियो एडिट करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रहा था। और बस हम लोग अभी खाना वाना खाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे सबके साथ में, उसके बाद मैं अपने घर आ जाऊंगी, क्योंकि सुबह में फिर हस्बैंड का ऑफिस है। और बहुत अच्छा लगा, एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड बोल रही थी मैं भी आ जाती हूँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, मैं भी फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ। और फिर हम लोग बस थोड़ा सा क्रीम वगैरह एक दूसरे को लगाने लगे। और मेरा तबीयत ना अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, तक तक भैया आ गए, आगे कुछ भी नहीं हो पाया। और अब भैया आ करके भाभी को रोज़ दे रहे हैं, रोज खिला रहे तो अच्छा लगता है ये सारे मोमेंट्स। और लाइफ ऐसे ही थोड़ा बहुत इंजॉय करो, जियो यार, जैसे भी है सिचुएशन ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जो भी पल है, छोटा है बड़ा है, बस इंजॉय करो।
यही लाइफ है। और यहाँ पे मैं नाइट में रोज़ घुसा के हस्बैंड को खिला रही थी एंड दे भी रही थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा एंटरटेनमेंट कॉमेडी हम लोग कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तो यही था हमारा छोटा सा बर्थडे पार्टी जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड जहाँ होते हैं काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग। अंशिकू को भी काफ़ी इंजॉय करता है। यहाँ मेरी फ्रेंड फोटो एंड सेल्फी वगैरह क्लिक कर रही थी और मैं इधर से वीडियो बना रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस यही तक का था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय।